ये रिश्ता क्या कहलाता है। भांग पीकर इस लड़की ने ऐसा मजाक उड़ाया मेरा, बेइज्जती की मेरी, और क्यों अच्छू कह के। आने दो उसे आज, आने दो, आप आज चखाऊंगा मैं उसे असली मजा भांग पीने का, आने दो। क्या हुआ आज तो बड़ी खुश लग रही है, वरना वो एक्सीडेंट को लेकर तो तू भूल जाओ उस बात को। अब उस बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे कभी भी, और यहाँ पे तो एक्सीडेंट का नाम भी मत लेना, हर शंगल भड़क जाएंगे। कल भी तेरे वजह सबको कितना टेंशन हो गया था। सुनो प्लीज बी क्वाइट, अच्छा हो रहा है सब कुछ, अच्छा ही रहने दे। बाय। ये मुझ पर क्यों भड़क कर चली गई, वैसे ही मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ। हे कान्हा जी प्लीज आज मुझे हर शंगल से बचा लेना, काश आज वो अच्छे मूड में हो। थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा चेली। अक्षु दीदी का वेट हो रहा है, आती होगी। क्या बोला? सब समझता हो, छोटा मत समझो, मैं इस हॉस्पिटल में एक महीने से रह रहा हूँ। अच्छा क्या पता है? यही ये आपका और अक्षु दीदी का कुछ चल रहा है। चुप कर शैतान कहेगा, चुपचाप खा अपनी जेली। वैसे अक्षु दीदी बहुत अच्छी है और वो गाती भी बहुत अच्छा है। वो गाती तो बहुत अच्छा है, वो बात भी बहुत अच्छा करती है, शी इज द बेस्ट। वैसे आप बहुत लकी हो सर। आई नो अक्षु है ही इतनी अच्छी, आई एम वेरी लकी। अरे नहीं नहीं वो तो अच्छी है ही, पर आप लकी इसलिए हो क्योंकि मैं लेट पैदा हुआ, नहीं तो आपको कहाँ चांस मिलता। आप खुद को ही देखो, मैं कहाँ और आप कहाँ। अच्छा बेटा अभी इंजेक्शन लगाऊंगा ना तो बातों की जगह चीख निकलेगी मुँह से। लगा दो इंजेक्शन अक्षु दीदी के लिए, कुछ भी सोच लो, अगर इंजेक्शन लगाया तो वो मेरे लिए सॉन्ग गाएगी और वो मुझे मना नहीं कर सकती। बच्चे से इतनी जलन। चुप कर शैतान, तेरे से जलूंगा मैं, जली खा अपनी। दीदी आई क्यों नहीं अभी तक? कैसी जली खाओ। अक्षु से वो एक्सीडेंट वाली बात भी पता करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कह रहे मनीषी? हाँ तुम देखना नक्षर कीटती आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, कितने दिन हुए दोनों को देखे हुए। हाँ भाभी, भाई वो लोग आएंगे तो अक्षु की शादी में तो रौनक आ जाएगी। हाँ। जी जी नेक्स्ट मामू के आने से अक्षु बहुत खुश होगी। हाँ। शादी ही तो ऐसा मौका होता है जब सारे रिलेटिव इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ और वांश हमारे यहाँ पे ना शादी में मामा का भात लाना बहुत बड़ा शगुन होता है, अगर नक्श नहीं आता तो पता नहीं रस्म कौन करता। माझी का मैसेज है, कह रही है कि कल पंचपड़ी एकादशी है। कल एक खास रस्म है शुके ससुराल की। होली की रस्म तो हम सब ने इसलिए एंजॉय कर ली थी क्योंकि अभिमन्यु था वहां पर, मगर तुम जानते हो इन रस्मों को लेकर उनकी क्या सोच है। एक दिन बाद फिर से कोई रस्म करेंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग। बड़े पापा डोंट वरी, कल की रस्म भी अच्छे से आराम से हो जाएगी। हाँ ताऊ जी, शादी में थोड़ा गुस्सा थोड़ा मजाक तो चलता है। बड़े पापा क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे खाना, खाने में नमक अगर सही मात्रा में हो तो स्वाद बना रहता, अगर नमक जरा सा भी बढ़ जाए तो स्वाद खराब हो जाता। ऐसे ही रिश्तों में मजाक मस्ती जरूरी है, लेकिन मजाक मस्ती अगर हद के पार हो जाए तो फिर मुश्किल हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हमें बहुत संभल के चलना होगा। सही कह रहे आप मनीष जी, इस बार हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, वरना बात बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कोई सर्जरी भी नहीं है, सारे चेकअप भी डन है, अक्षु कहाँ रहेगी यार, ऐसे तो कभी लेट नहीं आती, कहाँ रहेगी यार। अक्षु कहाँ रह गई थी, तुम कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। रोज तुम मिलते हैं, कौन सा सालों बाद मिल रहे जो वेट कर रहा हूँ। मेरा बस चल रहा ना तो एक पल एक मिनट एक सेकंड के लिए तुम्हें अपने से दूर ना जाने में। आज सुबह सुबह रोमांटिक, क्या बात है।
कल की का असर है। मैडम को हुआ क्या है? सुबह से ना किसी पे गुस्सा कर रही है और सबसे हंस हंस के बात कर रही है। अभी वो जो कल मैंने अंकल के साथ वो तुम अक्षु कितनी बार कहूं चिल रिलैक्स, कल जो हुआ है उसे कल में ही रहने दो। अंकल नाराज है क्या मुझसे? कब नहीं होते? मत नहीं, इट्स फाइन। तो तुम नाराज हो क्या मुझसे किसी बात को लेके? नहीं अक्षु, मैं नाराज नहीं हूं। कैसे पूछूं अक्षु से, पर पता तो करना ही होगा ना, क्योंकि मुझे आरोही पे ट्रस्ट नहीं है। अक्षु एक बात पूछूं, बताओगी? पूछो। कल तुम वो एक्सीडेंट वाली क्या बात कह रही थी? एक्सीडेंट नहीं तो? अक्षु याद करो, कल नशे में तुम एक्सीडेंट 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 की बात कर रही थी। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। देखो नशे में आदमी वही बात बोलता है जो होश में नहीं बोल पाता। जानता हूं कुछ हुआ है, मैं कुछ पूछ रहा हूं क्या हुआ है। हाँ, वो हमारा मेरा और आरू का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट छोटा बड़ा क्या होता है? तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? अभी नहीं, नहीं कोई अभी वभी ये वो कुछ नहीं सुनना है मुझे। क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? क्यों छुपाया मुझसे? तुम्हें कुछ हो जाता तो समझ में आया, जरूर तुम्हें चोट वोट लगी होगी इसीलिए। कहां लगी है? ज्यादा लगी है क्या? डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली तुमने? प्लीज बताओ मुझे, टेंशन हो रही है। क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों नहीं बताया? अपने अभी से इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? एक बार भी नहीं लगा कि मुझे बता देना चाहिए? तो क्यों झूठ बोला? क्यों नहीं बताया मुझे? अक्षु मुझे भरोसा है, जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। अक्षु अगर तुझे मेरी जरा सी भी परवाह है ना, तो किसी से कुछ नहीं कहेगी, तुझे मेरी कसम है। I'm sorry. वो तुम माँ को लेकर ऑलरेडी इतने परेशान थे, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। अक्षु तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। उस दिन तुम फोन नहीं उठा रही थी तो मेरी सांसें अटक गई थी। प्लीज तुम झूठ मत बोला करो, कुछ मत छुपाया करो मुझसे। I'm sorry. पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगी है चोट। तुम्हें लगा मुझे कुछ हुआ है? नहीं ना, मैं ठीक हूँ अभी। थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड नहीं लगी है। लेकिन हुआ कैसे, क्या हुआ? कैसे बताऊं अभी को, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम कार आरू चला रही थी और आरू पे अभी को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। बेकार में अभी और उसके इश्यूज होंगे, इसलिए बता नहीं सकती। सॉरी अभी। जो हुआ सो हुआ, जाने दो ना इस बात को। और वैसे भी मैं दिन में 10 बार यहां वहां टकराती रहती हूं, बाकी से हर बार बताऊंगी, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी, आई लव यू। अभी आई लव यू।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।